कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़, एक जवान शहीद। पुलवामा के आजिन इलाके में 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर, सुरक्षा बलों की घेराबंदी। कल शाम से जारी मुठभेड़, आजिन इलाके में कल पुलिस टीम पर हमला कर भागे थे आतंकी। दोनों तरफ से हो रही गोलीबारी, दहशत गर्दों को मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं सुरक्षा बल। सुरक्षा बल ने पुलवामा के सभी रास्तों पर की नाकाबंदी, आतंकियों के बचकर निकलने की संभावना कम। जम्मू कश्मीर के गांधरबल में चेक पोस्ट पर रंगनाओं ने संभाला मोर्चा, महिला सुरक्षा कर्मियों की तैनाती। सेना के अधिकारियों ने महिला सैन्य कर्मियों को जरूरी हिदायतों के साथ ड्यूटी के लिए रवाना किया, जंगल से लेकर चौकी तक मुस्तैद दिखी वीरांगनाएं। पुंछ में 7 सालों के अंतराल के बाद दूर की जा रही है बिजली आपूर्ति की बाधा, 2014 की बाढ़ की तबाही के बाद अब एक बार फिर से बहाल हुई 132 केवी पावर लाइन। चंबा में भारी बारिश से आई तबाही, सड़कों पर सैलाब की रफ्तार से बहा दरिया। चंबा में भारी बारिश के बाद आए फ्लैश फ्लड में 10 से 12 घरों को पहुंची क्षति। बिहार के शहर में बाढ़ की आफत, नरगटिया गांव में घुसा बागमती नदी का पानी। शिवर का मोतिहारी से संपर्क टूटा, NH54 पर नरकटिया में सड़क पर 6 फीट गहरा बहाव। बागमती परियोजना के तटबंध की 24 घंटे निगरानी का आदेश, तटबंध में हो रहे रिसाव को रोकने का कार्य लगातार जारी। रक्सौल में उफान पर सरस्वती नदी, निचले इलाके में सैलाब का संकट। रक्सौल में कई गांव के संपर्क मार्ग पर बह रहा दरिया, मुसीबत में घिरी रोजमर्रा की जिंदगी। लखनऊ में देर रात पुलिस ने नामी शायर मुनव्वर राणा के घर की तलाशी ली, मुनव्वर राणा के पुलिस पर बदसलूकी का लगा आरोप। मुनव्वर राणा के मुताबिक पुलिस ने बिना सर्च वारंट घर की तलाशी ली, पुलिस टीम के साथ एक महिला पुलिसकर्मी भी नहीं थी। आरोपों के मुताबिक पुलिस ने न तो मीडिया कर्मियों को मुनव्वर राणा के घर में आने दिया और न ही उनके वकील को। मुनव्वर राणा की बेटी फौजिया राणा ने जारी किया वीडियो, मांगी मदद, पुलिस कर्मियों पर 16 साल की बेटी का मोबाइल ले जाने का आरोप लगाया। फौजिया के मुताबिक उनके भाई तबरेज राणा पर रायबरेली में हुई थी फायरिंग, आत्मरक्षा में तबरेज ने चलाई थी गोली। खत्म हो सकती है पंजाब कांग्रेस में चल रही कलह, लंच पर अमरिंदर सिंह ने समर्थकों को दिए संकेत, केंद्रीय नेतृत्व के फॉर्मूले का होगा सम्मान। पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह की लंच डिप्लोमेसी, कांग्रेस विधायकों और नेताओं के साथ घर पर किया भोजन। लंच पर मौजूद रहे कैप्टन के करीबी नेता, पार्टी के 5 सांसद, 20 विधायक, 8 कैबिनेट मंत्री और 30 जिला अध्यक्षों के साथ की मंत्रणा। कुछ दिनों में दिल्ली आएंगे कैप्टन अमरिंदर सिंह, आलाकमान से कर सकते मुलाकात। सिद्धू के साथ सुलह फॉर्मूले का जल्द ऐलान करेगी कांग्रेस, 8 से 10 जुलाई के करीब हो सकती है कोई बड़ी घोषणा। विधायकों को बुलाया है उन्होंने और एक दाल रोटी उनके साथ शेयर कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। ये महंगाई को लेकर सरकार पर कांग्रेस का हल्ला बोल, राहुल बोले मोदी माया का ऐसा पड़ा प्रभाव, बस जुमलों का ही गिरा भाव। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार ने लोगों के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया है। महंगा हुआ बिना सब्सिडी वाला घरेलू LPG सिलेंडर, आज से हर एक सिलेंडर के लिए 25 रुपए 50 पैसे ज्यादा देने होंगे। कल से दूध के दामों में भी हुई है बढ़ोतरी, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ गई अमूल दूध की कीमत। गुजरात में जुआ खेलने और शराब रखने के आरोपों में बीजेपी विधायक केसरी सिंह सोलंकी गिरफ्तार, पंचमहल के एक रिजॉर्ट में छापामारी। बांदा जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी पर ईडी का शिकंजा, अवैध रूप से इकट्ठा की गई करोड़ों की संपत्ति की करेगी जांच ईडी। भोपाल में बास्केटबॉल पर हाथ आजमाती नजर आई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कांग्रेस ने कसा तंज, व्हीलचेयर की जगह मैदान में देखकर खुशी हुई। दिल्ली में अभिभावकों को बड़ी राहत, केजरीवाल सरकार ने निजी स्कूलों को दिए फीस में 15% कटौती के आदेश। इटावा में आपस में भिड़े समाजवादी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता, जमकर हुई मारपीट, एक पंचायत सदस्य के वोट को लेकर भिड़ंत। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार जुगराज सिंह जमानत पर रहा, SGPC ने 1 लाख रुपए देकर सम्मानित किया।
सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने वाला डायमंड वॉकर गिरफ्तार, पोस्ट पर थी क्राइम ब्रांच की नजर। जम्मू कश्मीर में एलजी का अहम फैसला, 5 जुलाई से मुगल रोड और सिंध रोड पर यात्रा कर पाएंगे आम लोग। सीएम अशोक गहलोत के गृह जिले में हुए नर्सिंग घोटाले में सीएमएचओ जोधपुर को नोटिस जारी, हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया पर लगाई अंतरिम रोक। आप सांसद संजय सिंह ने यूपी जिला पंचायत अध्यक्ष चुनावों को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, सदस्यों की खरीद फरोख्त और सत्ता के दुरुपयोग का आरोप। डॉक्टर्स डे पर प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों को किया सलाम, जीवन बचाने वाले चिकित्सकों को बताया भगवान का रूप। डॉक्टर्स को ईश्वर का दूसरा रूप कहा जाता है और वो ऐसे ही नहीं कहा जाता। डॉक्टर्स डे पर प्रधानमंत्री मोदी ने आईएमए को दिया टास्क, योग को साइंटिफिक ढंग से दुनिया के सामने रखने की अपील। प्रधानमंत्री मोदी ने गिनवाई सरकार की उपलब्धियां, कहा 2014 तक सिर्फ 6 एम्स थे, 7 सालों में 15 बने। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले पहले की सरकारों ने मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को किया नजरअंदाज। स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा के मामलों को लेकर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, सुरक्षा की मांग। जल्द आ सकती है जायडस कैडिला की 3 डोज वैक्सीन, आपातकालीन मंजूरी के लिए डीसीजीआई को भेजा आवेदन। नीडल फ्री वैक्सीन है कैडिला की जायडस डी, 12 साल से ऊपर के लोगों को लगेगा टीका। सूरत में वैक्सीन की कमी ने लोगों को किया बेहाल, सेंटर्स पर से लौटना पड़ रहा है खाली हाथ। राजकोट में कोविशील्ड पहुंचते ही लोगों की उमड़ी भीड़, वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिखा हुजूम। दिल्ली में प्रशासन की सख्ती के बावजूद नहीं सुधर रहे हालात, बाजारों में उमड़ रही है लोगों की भीड़। देश में 24 घंटे में करीब 48,000 नए मामले, एक दिन में 1,005 लोगों ने गवाई अपनी जान। दिल्ली में लगातार दूसरे दिन 100 से कम नए केस, 24 घंटे में 93 मामले, 4 मरीजों की मौत। नीतीश सरकार को उनके ही मंत्री ने दिया जोर का झटका, अफसरशाही से तंग, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे की दी धमकी। हम सिर्फ और सिर्फ अफसरशाही के खिलाफ में ये इस्तीफा दे रहा हूँ, हमको न कोई लोभ है न लालच है। मदन सहनी को मिला पूर्व सीएम जीतनराम मांझी का साथ, बोले ये सच है कि अफसर नहीं सुनते। विधायक हो मंत्री हो, उन लोगों की बात को बहुत अफसर लोग तरजीह नहीं दे रहे हैं, ये सच्ची बात है। दिल्ली में यमुना के प्रदूषण पर जल शक्ति मंत्री का केजरीवाल को शिकायती पत्र लिखा, केंद्र की मदद के बावजूद गंभीर नहीं है सीएम। बंगाल हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार, केंद्र और चुनाव आयोग को जारी किया नोटिस, 4 हफ्ते में जवाब मांगा। चुनाव बाद हिंसा पर ममता सरकार के खिलाफ घेराबंदी तेज, दिल्ली पहुंचे शुभेंदु अधिकारी, कल जेपी नड्डा से हो सकती मुलाकात। दुर्ग में कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी के युवा मोर्चा का विरोध प्रदर्शन, छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। जम्मू में कई राउंड बैठक के बाद दिल्ली लौटे एनएसजी और सीएसएफ के डीजी, गृह मंत्रालय को देंगे रिपोर्ट। दिल्ली के बॉर्डर्स पर जारी है किसानों का आंदोलन, वीडियो जारी करके मांगी जा रही आंदोलन तेज करने के बारे में राय। मुरादाबाद में टोल प्लाजा पर किसानों ने जमाया कब्जा, गाजीपुर बॉर्डर पर हुई मारपीट का विरोध। टीकरी बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल 2 किसानों की मौत, हार्ट अटैक से गई जान। अलवर में दहेज के लिए महिला की हत्या, 4 दिन पहले ही गांव के लोगों के सामने सुलह के बाद ससुराल छोड़कर गए थे परिजन। झारखंड की सरायकेला में हत्या के आरोप में नाबालिग से 2 गिरफ्तार, एक तरफा प्यार में हुई थी वारदात, मुख्य आरोपी की तलाश जारी। बिहार के मुंगेर में तस्करों के कब्जे से मुक्त कराए गए दर्जनों जानवर, 10 बदमाश गिरफ्तार। यूपी के बस्ती में एटीएस ने 50,000 के इनामी बाबा सच्चिदानंद को गिरफ्तार किया, बलात्कार और उत्पीड़न का मामला। जोधपुर में झाड़ फूंक के बहाने तांत्रिक ने दलित महिला से किया रेप, शिकायत के बाद गिरफ्तार। अलवर में युवती के साथ रेप और ब्लैकमेल के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार, अश्लील वीडियो बनाकर किया था वायरल। जीआरपी ने ट्रेन में चोरी करने वाले 10 बदमाशों को पकड़ा, 12 लाख से ज्यादा की कीमत के आभूषण बरामद।
प्रदेश की सीधी में भ्रष्टाचार के खिलाफ उप सरपंच की का तंज, शिकायत में कहा रात तक बनी सड़क सुबह हो गई चोरी। मुजफ्फरपुर में भयानक हादसा, घर में घुसा बेकाबू ट्रक, चार लोगों की मौत, आधा दर्जन लोग घायल। राजस्थान के करौली में बैंक से 3.25 लाख रुपए लूटने वाला बदमाश गिरफ्तार, अवैध पिस्टल और लूट का पैसा बरामद। दरभंगा पार्सल ब्लास्ट में विस्फोट की बात सामने आने के बाद पुलिस चौकस, चप्पे चप्पे पर सघन चेकिंग अभियान। असम के गुवालपारा में ड्रग्स की अवैध फैक्ट्री पर छापा, 10 करोड़ की नशीली दवा बरामद। समस्तीपुर में पुलिस ने 4 मोस्ट वॉन्टेड बदमाशों को पकड़ा, भारी मात्रा में कारतूस और 2 पिस्टल बरामद। हाजीपुर में मामूली झगड़े के बाद भिड़े पड़ोसी, ताबड़तोड़ फायरिंग में 2 लोग घायल, एक महिला की हालत गंभीर। यूपी के हापुड़ में 2.5 महीने बाद हुआ कोरोना पीड़ित के शव का अंतिम संस्कार, 15,000 का बिल न चुका पाने पर अस्पताल ने परिजनों को शव देने से इनकार किया था। हिमाचल प्रदेश के सोलन में 18 प्लस वालों को वैक्सीनेशन पर लगा ब्रेक, सीएमओ ने कहा केंद्र से वैक्सीन की कम सप्लाई की वजह से लिया गया है फैसला। बठिंडा में डॉक्टर दिवस पर सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों का अनोखा प्रदर्शन, पुतले को डॉक्टर की ड्रेस पहनाकर दी फांसी, वेतन कटौती पर नाराजगी। आरपी यूनिवर्सिटी में उद्घाटन करने पहुंचे दिल्ली के डिप्टी सीएम का विरोध, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। असम के गोलपारा में ड्रग्स की अवैध फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने जब्त किए 10 करोड़ की नशीली दवाओं और ड्रग्स। 2 और 3 जुलाई को एनसीआर में हो सकती है हल्की बारिश, लेकिन गर्मी से फिलहाल राहत नहीं। पता चलता है कि एक हफ्ते के बाद यानी 7 जुलाई के बाद इसमें जो मानसून सर्कुलेशन पैटर्न है इसमें थोड़ा सुधार आ सकता है। राजस्थान को परेशान करने लगी उमस वाली गर्मी, 17 जिलों में 40 के पार पहुंचा पारा। सीमावर्ती इलाके में दिख रहा है नेपाल में भारी बारिश का असर, पानी में डूब गई रक्सौल की सड़कें। बाढ़ के पानी में डूबे हैं सीतामढ़ी के कई इलाके, लोगों को लेना पड़ रहा नाव का सहारा। भीषण गर्मी ने दिल्ली वालों को किया बेहाल, 7000 मेगावाट के पार पहुंची बिजली की डिमांड। दिल्ली के एम्स में डॉक्टर्स डे के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन, बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने भी शिरकत की। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले डरहम में लगेगा कैंप, काउंटी टीम के साथ 2 मैच खेलेगी टीम इंडिया। ओलंपिक्स के लिए टोक्यो रवाना होने से पहले पुतिन से मिले रूसी खिलाड़ी, इस बार बिना देश के नाम, झंडे और राष्ट्रगान की शिरकत करेगी टीम। विंबलडन के 3rd राउंड में पहुंचे नोवाक जोकोविक, 2nd राउंड में साउथ अफ्रीका के केविन एंडरसन को दी मात। दुनिया में 18,29,00,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 39,62,000 से ज्यादा की जा चुकी जान। बेल्जियम के एंटवर्प में वैक्सीनेशन सेंटर पर बजाया जा रहा है डीजे, युवाओं को टीकाकरण के लिए जागरूक करने की मुहिम। अमेरिका और कनाडा में भीषण गर्मी का कहर, और गांव में करीब 60 लोगों की जा चुकी है जान। ब्राजील के दक्षिणी राज्य में लगातार 3 दिन से जारी बर्फबारी, सड़कों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। कनाडा में सदियों पुराने एक चर्च में भीषण आग, पूरी तरह से चर्च जलकर खाक।